9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में सोनिया, राहुल समेत कई नेता शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 पार का दावा किया। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 58.34% वोटिंग हुई है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा। जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला आएगा। वहीं ईडी ने कहा उन्होंने सेहत को लेकर झूठा दावा किया है। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिसमें कहा गया धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर ध्वनि विस्तार सीमा का पालन किया जा रहा है, इसलिए उन्हें अनुमति दी जाए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में यात्रियों से भरी नाव नदी में डूब गई। नाव में 11 लोग सवार थे। हादसे में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर में 3 बियर बार पर जीएसटी का छापा पड़ा। कार्रवाई के बाद बार सील कर दिए गए। इसके अलावा एक रेस्टोरेंट पर भी छापा मारा गया है। रीवा में एक व्यापारी को गुंडों ने पिस्टल अड़ाते हुए रोड पर घसीटते हुए पीटा, सिर चेहरे पर लाते मारी, बाइक से कुचलने की कोशिश की। सलमान खान पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस विश्नोई के गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक हफ्ते में इंडिगो की फ्लाइट में बम की दूसरी घटना सामने आई है। चेन्नई मुंबई रूट पर उड़ान भरने वाली इंडिगो में पायलट ने मुंबई एटीसी को विमान में बम होने की धमकी के बारे में सूचना दी। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।